कहने को मैं एक निर्जीव पत्थर हूं, लेकिन मुझसे बने भवनों, महलों और किलों के खंडरों की दीवार में सांस लेते मेरी साई हर उस साम्राज्य के उत्थान और पतन की कथा अपने अंदर समेटे हुए हैं, जिससे इस दुनिया का इतिहास रचा गया है। संग्राम की विश्व के कल्याण की धर्म अधर्म आदि अनंत सत्य असत्य कलेश कलम सात की कथा परमात की आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन आन शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो आनवान शान या के धान राहु दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो मान मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं तो दीवार में चुने हुए मेरे पत्थर ही वो कान है जो महलों में घटित हर खुशी गम और षड्यंत्रों के गवाह हैं इन्हीं महलों में मनुष्यों को मैंने राजा महाराजाओं का विलासी जीवन जीते देखा है लेकिन समय एक बार फिर करवट लेता है सुख और संपन्नता के बावजूद धन और सीमा विस्तार का लालच उसे अशांत और हिंसक बना देता है जो हाथ
प्रजा की भलाई के लिए उठते रहे हैं। उन हाथों में मैंने खून से सनी तलवारें ली। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहां पे जीतेगा कहां पे बचेगा। युद्ध के मैदानों में निर्दोषों के कटते सिर और रक्त से सनी युद्ध भूमि के दृश्यों से मैं पत्थर दिल आज भी सिहर उठता हूँ। ये मेरा साम्राज्य और मैं इसका अधिपति। युद्ध के इन मैदानों में कौन जीता और कौन हारा, पर हां मैंने इन युद्धों में मानवता को हारते देखा है। मनुष्यों की अर्श से फर्श और फर्श से अर्श की यात्रा मेरे मानस पटल पर अमिट स्याही से लिखी हुई। ये कैसी दुविधा है, कैसी ये विपदा है, ये धर्म है बलिदान है, अपने ही अपनों के सुख लेके दुख देने, अधर्म है ये या विधान है। ये कैसी दुविधा है, कैसी ये विपदा है, ये धर्म है बलिदान है, अपने ही अपनों के सुख लेके दुख देने, अधर्म है ये या विधान है। इस हताश निराश और अशांत मनुष्य को एक बार फिर मेरी ही शरण लेते देख मैं एक बार फिर मुस्कुराता हूं। शांति की तलाश में उसने मेरे ही उपयोग से ईश्वर की प्रतिमाएं गढ़ी, भव्य देवालय बनाए। उसके चैन सुकून और शांति में ही मेरी खुशी है। नींव भी मैं ही हूं, कंगूरा भी मैं, महलों के झरोखों से बाहर झांकता भी मैं और सज्जनों के चरणों की धूल से इठलाता भी मैं। जब मैं याद करता हूं उस स्वर्णिम इतिहास को, जब विभिन्न सम्राटों ने कुशल शिल्पकारों से मेरा उपयोग कर ऐसे सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया जहां दो घड़ी शांति से बैठकर अपने ईष्ट की प्रार्थना करना हर मनुष्य को सुकून देने लगा। उत्कृष्ट कारीगरी, विशाल भवन और बेहद खूबसूरत कलात्मक चित्रकारी से सजे ये मंदिर केवल पूजा स्थल मात्र नहीं है, बल्कि अपने दौर का जीता जागता इतिहास है। इतिहास आस्था और वैभव की दास्तां अपने में समेटे ये आस्था के केंद्र आज भी अपने अतीत को जीवित रखे हुए हैं।
drum, drum da, drum da, dhalam kutta kutte kura dita, drum da ka drum drum da. बहुत से कारवां यादों के गुजर जाते हैं मुझे छूकर, न फेंको शोर के पत्थर, ये खामोशी चटकती है। मैंने मंदिर, महलों, किलों का निर्माण देखा है, साम्राज्यों को फलते फूलते देखा है, और साथ ही बाहरी आक्रमणों से इनको नष्ट होते देखा है। विदेशी समय समय पर भारत आए, समय समय पर आक्रमण भी किए, भारत की अखंडता को नष्ट करने का प्रयास हुआ। मैंने वो समय भी देखा है जब भाई भाई से विमुख हो रहा था, और साक्षी हूं दोनों के बीच सिमटती दूरियों का, एक दूसरे के बीच प्रेम और सौहार्द का। भारत की धरती पर चुंबकीय शक्ति है जिससे वो यहीं के होकर रह गए, एक नई संस्कृति विकसित हुई, और कितनी ही मध्ययुगीन वास्तुकला, चित्रकला और संगीत कलाओं के साथ साथ अन्य कलाओं में भी भारी परिवर्तन आए और कई नई शैलियों ने जन्म लिया।
अपनी छाप बनाई के जो मैं पी के पास गई जो छाप देखी आपकी तो अपनी भूल